ओम जय जय नमोस्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोए सवसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्याच कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वंदितु सर्वसिद्धे द्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुडे नमो सुद केवली भणिदम। समयसार ग्रंथादिराज कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार में ये अंतिम अंतिम गाथाएं अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो गाथाएं हैं वो पक्षाती क्रांत कैसे हो उसकी विधि ये गाथाओं में बताई है। अनादिकाल से ये ही नहीं किया, क्या नहीं किया है कि पक्ष तोड़कर विकल्प को तोड़कर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं की है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं परिणमे, क्योंकि अनादिकाल से किसी ना किसी का पक्ष रहा, या तो राग का, या तो व्यवहार का, या तो निश्चय का, परंतु आत्मा का आज तक हमने क्या नहीं किया, अनुभव नहीं किया। वाच्य वाचक होता ना, वाच्य वाच्य है आत्मा और वाचक है शब्द, है ना, विकल्प वाणी भाषा ये सब है वाचक और वाच्य है आत्मा। तो वाचक पर तो वजन गया, माने भाषा पर, विकल्प पर, चर्चा पर, शब्दों के ऊपर, यहाँ पर तो हमारा ध्यान गया, वजन गया। हम इन सब को तो पकड़ना चाहते हैं, परंतु ये जो शब्द वाच्य को बताते हैं ना, ये शब्द जो वाच्य को बताते हैं, ऐसे भगवान आत्मा पर आज तक हमारा ध्यान नहीं गया, लक्ष्य नहीं गया, अनुभव नहीं किया। जैसे बच्चा थके हुए स्कूल में से आता है ना, थका पका आता है एकदम, और फिर सबसे पहला प्रश्न मम्मी को पूछता है, क्या पूछता है कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, तो मम्मी ने क्या कहा कि आम रस। जैसे मम्मी ने आम रस कहा, केरी का रस, तो तुरंत ही उसने क्या पकड़ लिया, शब्द से किसको पकड़ा, वाच्य को पकड़ा, उसका चेहरा एकदम प्रसन्न हो जाता है ना, खिल जाता है। ऐसे यहाँ पे जैसे यह भगवान आत्मा कहते हैं, गुरुदेव आचार्य देव कहते हैं कि हूँ भगवान आत्मा छू, कारण परमात्मा छू, एम ज्या कहे छे त्या सिद्धू कोने पकड़ाई पकड़ी लई वो जोइए, तो कहे छे कि वाच्य ने शुद्धात्मा में। पूज्य गुरुदेव श्री कितनी बार कहते हैं हूँ परमात्मा छू एम नक्की करो, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय करो, अने हूँ परमात्मा छू एम अनुभव करो। जहां सुधी ने निर्णय नहीं होगा ना, तब तक अनुभूति नहीं होगी। ये गाथाएं इतनी जोरदार गाथाएं है कि यहाँ पे पूरा बल यहाँ पे अनुभूति के ऊपर दिया है कि अनंत बार सबका पक्ष किया, व्यवहार का, निश्चय का, सबका, परंतु एक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हुआ। देखो इसके बाद अपन 142 नंबर की गाथा होने के बाद अब जो कलश आते हैं, 26 कलश है, उसके पहले हम 26 कलश है ना, तो आज हम ये 69 से 75 कलश तक हम देखेंगे, बराबर ना। देखो इसमें क्या कहते हैं, पहले अपन कलश का पाठ करते हैं। य एव मुक्ता य एव मुक्त्वा नय पक्ष पातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल चित शांत चित्ता स्त एव साक्षाद मृतं पिबन्ति एकस्य बद्धो न तथा परस्य चीति दयो द्वार विन्ति पक्षपातो
यस्य त्ववेदी च्युतपक्षपात स्तस्यास्ति नित्यं खलु चेद्देव एकस्य मूढो न तथा परस्य चीतिदयो द्वार्वीति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात स्तस्यास्ति नित्यं खलु चेद्देव एकस्य रक्तो न तथा परस्य चीतिदयो द्वार्वीति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात स्तस्यास्ति नित्यं खलु चेद्देव एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चीतिदयो द्वार्वीति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात स्तस्यास्ति नित्यं खलु चीच्च देव एकस्य कर्ता न तथा परस्य चीतिदयो द्वार्वीति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात स्तस्यास्ति नित्यं खलु चीच्च देव एकस्य भोक्त न तथा परस्य चीतिदयो द्वार्वीति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चीच्च देव। क्या कहते हैं देखो यहाँ 69 नंबर का पहले अपन कलश देखते हैं श्लोकार्थ। जेवो नई पक्षपात नो पक्षपात ने छोड़ी पोताना स्वरूप गुप्त थई ने सदा रहे छे तेवोज जेमनु चित्त विकल्प जाड़ थी रहित शांत थयु छे एवा थया थका साक्षात अमृत ने पिए छे। शू कीधु यहां? जेवो नई पक्षपात ने छोड़ी पोताना स्वरूप मां गुप्त थई ने सदा रहे छे तेओज जेमनु चित्त विकल्प जाल थी रहित शांत थयु छे एवा थया थका साक्षात अमृत ने पीवे छे। कोने पीवे छे? साक्षात अमृत ने पीवे छे। भावात ज्या सुधी काई पण पक्षपात रहसे त्या सुधी चित्त नो क्षोभ मटतो नथी। जारे नई नो सर्व पक्षपात मटी जाय त्यारे वीतराग दशा थई ने स्वरूप नी श्रद्धा निर्विकल्प थाई छे स्वरूप मा प्रवृत्ति थाई छे अने अतींद्रिय सुख अनुभवाय छे। शु कीधु अहीं? सौथी पहला तो हमणा अहीं एम कहे छे के जे स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य देव एम कहे छे के नई पक्षपात ने छोड़ी सर्व नई पक्ष ने छोड़ी कारण के कोई नो पण पक्ष रहेशे त्या सुधी शू नहीं थाय? स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य किस में गुप्त हो गए हैं? स्वरूप में गुप्त हो गए हैं, है ना। माने किसी बाह्य चीज का ग्रहण त्याग स्वरूप में है ही नहीं। माने ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव स्वरूप गुप्त हो गए हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं क्या कहा कि जब तक जेमनु चित्त विकल्प जाती रही थी गयु तेवो साक्षात शू करे छे? तो कहे छे के अमृत नु पान करे छे। क्योंकि जब तक नई का पक्ष रहेगा तब तक विकल्प रहेगा और वो राग है। वो क्या है? वो राग है और वो आत्मा की शांति को क्या करता है? आत्मा की शांति को भंग करता है। कोई भी प्रकार का विकल्प हो वो आत्मा की शांति को क्या करेगा? तो कहते हैं उस शांति को भंग करता है। इसीलिए कोई प्रकार का विकल्प करने जैसा नहीं है। निष्व्यवहार नहीं का विकल्प भी छोड़ना चाहिए और निश्चय नहीं का विकल्प भी छोड़ना चाहिए, है ना। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुनकुन आचार्य देव के लिए प्रवचन सार में लिखा है कि हमारे गुरु को
पक्ष का भी परिग्रह नहीं है। क्या नहीं है? पक्ष का भी परिग्रह नहीं है, पक्ष का भी। अमृतचंद्र आचार्य देव ने उनके उनके गुरु कुनकुन आचार्य देव के लिए लिखा है कि हमारे गुरु को पक्ष का भी क्या नहीं है, परिग्रह नहीं है। वस्तु तो स्वभाव थी शुद्ध छे, એટલે આ બંને નહીં નો નિષેધ કરી શું થઈ જવું જોઈએ, તો કે પર્યાય મેં પક્ષાતિક્રાંત હો જાના ચાહિયે, ક્યોંકિ જબ તક પક્ષાતિક્રાંત નહીં હોંગે તબ તક યે ભવ ભ્રમણ, યે ભવ કા ચક્કર હૈ ના, યે ભવ કા ચક્કર છૂટને વાલા નહીં હૈ। ક્યાં નહીં છૂટેગા? તો કહેતે કે યે ભવ ભ્રમણ છૂટેગા નહીં, હૈ ના। અનાદિ કાલ સે જો સંસાર મેં રખડ રહા હૈ વો સંસાર કા પરિભ્રમણ કા અભાવ નહીં હોગા। જબ તક ક્યાં નહીં હોગા? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी प्रकार का विकल्प हो, कोई भी, चाहे वो अप्रशस्त हो के चाहे प्रशस्त हो, कोई भी विकल्प होगा ना, तब तक वो आत्मा आत्मा का अमृत का स्वाद, आनंद का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए तो कहा ना कि सारे विकल्प से रहित हो जाता ना, तो साक्षात अमृत ने पीवे छे। कया अमृत ने? अतिन्द्रिय आनंद रूपी अमृत ने पीवे छे, अतिन्द्रिय ज्ञान रूपी अमृत ने पीवे छे, माने वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाती है। संसार समुद्र नो अंत आवी जाय छे, नई पक्ष ज्या सुधी, अने नई पक्ष नो जे एकत्व छे ने, एने दर्शन मो कहेवाय। नई पक्ष नो एकत्व, नई पक्ष का जो एकत्व है ना, नई पक्ष का जो एकत्व है वो दर्शन मो है। वो क्या है? वो दर्शन मो है। नई पक्ष का एकत्व वो दर्शन मो है, है ना। श्रीमद जी ने लिखा है ना, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे। दर्शन मोह व्यतीत थई माने पहले नई पक्ष का एकत्वपना टूटेगा और फिर वो विकल्प छूटेगा। क्या लग रहा है? नई पक्ष का एकत्व वो दर्शन मोह, और नई पक्ष होना माने विकल्प होना, आत्मा संबंधी व्यवहार संबंधी का विकल्प होना, तो वो कहते हैं कि वो है चारित्रम। दोनों में अंतर है ना, दर्शन मो और चारित्रम। क्या अंतर है दर्शन मो और चारित्रम में? तो दर्शन मो में तो विषयों में सुख मानता है, और चारित्र मो में आत्मा में ठहर नहीं सकता। दो बात देखो फिर से, जब तक दर्शन मो होगा ना, तब तक उसको आत्मा की रुचि नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आत्मा की रुचि नहीं होगी, जब तक क्या होगा, दर्शन मो होगा। और जब तक चारित्र मोह होगा, तब तक वो आत्मा में ठहर नहीं सकता। दूसरा एक डिफरेंस, दर्शन मोह, जब तक दर्शन मोह होगा तब तक आत्मा की अरुचि, और चारित्र मोह होगा तो आत्मा में स्थिर नहीं हो पाएगा। ख्याल रहा है? दो बात फिर से, पहले कौन सा जाएगा दर्शन मोह के चारित्र मोह? दर्शन मोह। फिर क्या जाता है? तो कहते चारित्र मोह जाता है। दर्शन मोह होगा तब तक विषयों में रुचि, विषयों में सुख बुद्धि, आत्मा की अरुचि, और चारित्र मोह होगा तब तक वो आत्मा में स्थिर रह पाएगा नहीं, माने उसकी स्थिरता नहीं आएगी, उसकी स्थिरता नहीं आएगी। लगा ना, बाहुबली भगवान को कितने वर्ष लगे? एक साल, है ना। तो एक साल पूरा वो ध्यानस्थ अवस्था में मग्न रहने का पुरुषार्थ किया, परंतु उनको एक वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो चारित्र मोह है। भरत जी को अंतर मुहूर्त में क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। माने क्या ला रहा है? चारित्र मोह का उदय रहेगा तब तक राग नहीं टूटेगा, पूर्ण वितराग दशा नहीं आएगी, और जब तक दर्शन मोह रहेगा तब तक पर में से सुख बुद्धि नहीं टूटेगी। अनादिकाल से पर में सुख बुद्धि मानी है ना हमने, कि भाई ये विषयों में से सुख मिलता है, ये घर गृहस्थी पैसा धन दौलत, है ना, इन सब में से मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, परंतु इनमें से सुख तो नहीं, सुख की कणिका भी नहीं मिलती है। अब देखो यहाँ पे कहा कि जारे ये सब विकल्प जाल रहित हो जाता है, तब तक साक्षात अमृत नु सु करे छे, पान करे छे, त्यारे ज इन्हें शांति मरसे, त्यारे ज इन्हें सच्चा सुख नो अनुभव थसे। सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख केवू होय? अतीन्द्रिय सुख एवं सुख छे कि जिसकी उपमा हम किसी के साथ दे नहीं सकते। सच्चा सुख जो है, अतीन्द्रिय सुख है, हम उसकी उपमा किसी के साथ दे नहीं सकते, क्योंकि इंद्रिय सुख तो जो है ना, इंद्रिय सुख तो बाधा सहित है। कैसा इंद्रिय सुख? बाधा सहित। इंद्रिय सुख
और बंद का कारण है। इंद्रिय सुख विच्छिन्न है, छीन हो जाए ऐसा है। इंद्रिय सुख पराधीन है, इंद्रिय सुख में दुख है, आकुलता है, परंतु अतींद्रिय सुख उसके सामने कैसा है, कहते स्वाधीन है, बंद रहित है, अविच्छिन्न है, कोई प्रकार की बाधा नहीं है, अबाधित है, किसी से बाधित हो ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा आत्मा और उसके अवलंबन से उत्पन्न होने वाला सुख है। ये सुख की प्राप्ति कब होगी, ये उपाय ये कलशों में बता रहे, कितने मार्मिक कलश है, कितने मार्मिक कलश है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि बस एक उपाय करना है इस भव में। सबका विकल्प सबका राग, यहाँ तो कह रहे व्यवहार नहीं है, निश्चय नोन पर पक्ष छोड़ी दो, सबका पक्ष विकल्प छोड़ दो, क्योंकि जब तक किसी का विकल्प और पक्ष रहेगा तब तक हम अनुभूति की दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी को तो ये चारित्र मोहनी का राग है वो भी जहर लगता है, ऐसा लगता है कब छूटे, कितनी आकुलता है, कितनी पराधीनता है, और अंदर में कितनी शांति है, और बाहर में देखो तो आकुलता का पार नहीं। पक्ष माने विकल्प, पक्ष माने क्या, विकल्प, क्योंकि विकल्प रहेगा तब तक हम अनुभूति की दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे 69 नंबर के कलश में कहा कि निर्विकल्प थाय, स्वरूपनी प्रवृत्ति थाय, अने अतिंद्रिय आनंद अनुभव थाय छे, जारे सू थाय के सब पक्ष से रहित हो जाए। अब देखो, अब 20 कलशों में नई पक्ष ने विशेष वर्णवे छे, अने कहे छे कि आवा समस्त नई पक्षों ने छोड़े छे ते तत्व वेदी, तत्व नो जाननार, स्वरूप ने पामे छे। सु कीधु यहां के आवा 20 कलशों में कीधु कि नई पक्ष ने विशेष वर्णवे छे, अने कहे छे कि आवा समस्त नई पक्षों ने जो छोड़ी दे छे, सब नई पक्ष को जो छोड़ देते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं तत्ववेदी। तत्ववेदी का अर्थ लिखना, तत्ववेदी माने ज्ञानी, तत्ववेदी माने तत्व का, एक तत्व के जाननार, तत्ववेदी माने वस्तु स्वरूप के ज्ञाता, तत्ववेदी माने जिनको स्वपर का भेद विज्ञान हो गया है, स्वपर का क्या हो गया है, भेद विज्ञान हो गया। तत्ववेदी माने जो सबके ज्ञाता है उसको क्या कहते हैं, तत्ववेदी। माने ज्ञानी के लिए तत्ववेदी शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं 70 नंबर का कलश, उसका श्लोका। जीव कर्म थी बंधायलो छे, एवो एक नईनो पक्ष छे, अने जीव कर्म थी बंधायलो नथी, एवो बीजा नईनो पक्ष छे। आम चित स्वरूप जीव विषे बे नईना बे पक्षपात छे। जे तत्ववेदी वस्तु स्वरूप ना जाननार, पक्षपात रहित छे, तेने निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ज छे, तेने चित स्वरूप जीव जेवो छे तेवो निरंतर अनुभवाय छे। कितना जबरदस्त कहा पहला कलश। अभी ये 70 नंबर से 20 कलश आएंगे के 20 कलश में कहते हैं कि समस्त पक्ष ने छोड़े छे तत्ववेदी थाय छे। कया कया पक्ष ने, तो एक एक के छे 20 कलश एनी माटे लखवामां आव्या छे। सौथी पहला कलश में कीधु कि एवो एक पक्ष, एवा एक जीवो छे जे एम माने छे ए लोको ने एक व्यवहार नहीं नो पक्ष, एक पक्ष उनको एक एक लॉट वाले जीव है उनको क्या है, उनको व्यवहार का पक्ष, एक पक्ष उनको क्या है कि भाई व्यवहार का पक्ष है। क्या व्यवहार का पक्ष है कि जीव कर्म से बंधा हुआ है। क्या पक्ष है, जीव कर्म की सूचे बंधाई लोष है ना, वो अपने आप को क्या मानता है, कारण के शास्त्र में करना नियोग आदि शास्त्रों में आयुज ना कि कर्म को बांधता है ना, छोड़ता है, संक्रमण होता है, उत्कर्षण अपकर्षण, ये सब निरंतर ये दशाएं चल रही है। तो एक पक्ष तो ऐसा है कि जो मानता है, क्या मानता है कि मैं कर्मों से क्या हूँ, बंधा हूँ, बराबर, मैं कर्मों से बंधा हूँ। खरेखर मैं कर्मों से नहीं बंधा, मैं नौ कर्म से भी नहीं बंधा हूँ, मैं खरेखर भाव कर्म, खरेखर बंधन किसका है, भाव कर्म थी बंधाई छे।
कारण के जीव भाव कर्म करे छे, भाव कर्म ना कारणे या द्रव्य कर्म आवीने बंधाई छे, बराबर ने? क्योंकि द्रव्य कर्म का हिसाब किताब कौन रखता है? भाव कर्म रखता है। तो भाव करेंगे तो सामने नए कर्म आके बंधते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एक पक्ष तो ऐसा है कि जो अपने आप को क्या मानते हैं, बंधे हुए मानते हैं, बराबर, क्या मानते हैं, बंधे हुए मानते हैं। अब देखो दूसरा एक पक्ष ऐसा है, क्या है दूसरा पक्ष, ये मानता है कि हम बीजा नयनो पक्ष छे, एम छे क्या चित शू छे कि जीव कर्मती बंधायेलो नथी, जीव कर्मती बंधायेलो नथी एवा बीजा बीजो पक्ष छे, एवा जीवो छे जेने एवो पक्ष पड़ो छे। विकल्प अंदर में आवे छे ने कि भाई हूँ तो बंधायेलो छूज नहीं, ये सब पर्याय में है, संयोग में है, परंतु मैं तो बंधा हुआ हूँ ही नहीं, बराबर है, विकल्प आते हैं, परंतु यहाँ तो ये बहुत ऊंची बात कह रहे है कि ये अपने को उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करने का उपाय बता रहे है। कौन सी दशा को? उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करने का उपाय बता रहे आचार्य देव कि भाई जब तक हमें इन व्यवहार नहीं निश्चय नहीं का पक्ष भी रहेगा ना, तब तक हम अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे, माने नयातीत नहीं हो पाएंगे, विकल्पातीत नहीं हो पाएंगे। नई चक्र में आता है, नई चक्र में कि नयों के द्वारा पहले वस्तु स्वरूप जाना जाता है, परंतु नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप जानने के बाद नई के विकल्प भी तोड़ देने हैं, क्योंकि नई साधन नहीं, आत्मा में नई नहीं, आत्म प्राप्ति के लिए नई साधन पण नथी। सुकीदू आत्मानी प्राप्ति माटे तो शुद्ध उपयोग साधन छे, नई साधन नथी, फरी आत्मा मां नई नथी अने आत्म प्राप्ति के लिए नई साधन भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में नई नहीं और नई से हम आत्मा की प्राप्ति कर पाएंगे, एक शुद्ध उपयोग ही क्या है तो के साधन है। कितना भी हम है ना, कितना भी हम कोई भी पदार्थ के लिए कितना भी विकल्प करें, हार खरीदने जाते हैं ना, तब हम विकल्प करके फिर वो हार खरीदते हैं ना, माने विकल्प होते हैं कि नहीं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, इसके इसका कितना प्राइस है, इसका क्या रंग है, क्या कलर है, क्या वजन है, क्या डिजाइन है ना, क्या घाट है, सब कुछ हम देखते हैं कि नहीं, सारे विकल्प करते हैं ना, परंतु उस समय आनंद नहीं आता। आनंद तो कब आएगा? जब हम कोई विकल्प ना करें और उसको मात्र पहने, उसको पहनते हैं, उस हार को पहनते हैं, उस डायमंड सेट को पहनते हैं, तब हम उस कोई प्रकार के विकल्प नहीं आते, तब आनंद आता, परंतु खरीदते वक्त तो सारे प्रकार के विकल्प होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अमृत का रस आस्वादन करना हो, अंदर में आनंद की प्राप्ति करनी हो, तो सारे प्रकार के विकल्प कैसे लगते हैं? जहर जैसे लगते। जोगानी जी को आत्मा संबंधी के विकल्प भी कैसे लगते थे? जहर जैसे लगते थे कि नहीं? समय सार में अधिकार ना, मोक्ष अधिकार में अंतिम अंतिम गाथा में है कि प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, ग्रह है ना, अब बद्धा जे विकल्प छे, अब बद्धा विकल्प जहर छे, अब बद्धा विकल्प विषकुंभ छे, अने एक आत्मा ज अमृत कुंभ छे। शू कीधु? अब बद्धा विकल्पो विषकुंभ छे अने आत्मा अमृत कुंभ छे। आत्मा ना आश्रय थी ज मने शांति मिले, कोई दम नहीं है इन परद्रव्य में, इन संयोग में, एक विकल्प में से हमारे प्रयोजन की सिद्धि क्या होगी, कभी हमने विचार ही नहीं किया। इसलिए श्रीमद जी ने कहा ना, कर विचार तो पाम, विचार करीस तो तत्ववेदी थई जसो। तत्ववेदी थवानी बात छे अहीं, एम नथी कि भाई शुभ ना आत्मा संबंधी के विकल्प छोड़ के हम अशुभ के विकल्प करने लगे, परंतु या तो बहुत उत्कृष्ट बात बता दी, उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करने की बात कि भाई शुभ के विकल्प भी तोड़ने को कहा ना इधर, माने आत्मा संबंधी के विकल्प भी तोड़ने को कहा, क्यों कहा? अशुभ में जाने के लिए नहीं, परंतु निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए उस आत्मा संबंधी के विकल्प भी क्या होना चाहिए, तो क्योंकि उससे रहित होना पड़ेगा। न्यारा देखो विकल्प से, सबसे हम अपने आप को कैसे देखे, न्यारा देखो। आएंगे आत्मा के अनुभव के पहले ऐसे शुद्ध नहीं का विचार आएगा, पर उससे हम निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो तब के जब हम विकल्प तोड़े और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाए।
अब देखो भावार्थ, पहला पहला कलश में ये जो 20 कलश उसमें से पहला में यहाँ पे कर्ता और अकर्ता ऐसे दो पक्ष की बात की, दोनों पक्ष है, दोनों विकल्प है, दोनों को छोड़ देना चाहिए। भावार्थ, आ ग्रंथ मा प्रथम तीज व्यवहार नई ने गौण करीने अने शुद्ध नई ने मुख्य करीने कथन करवामा आव्यु छे। चैतन्य ना परिणाम पर निमित्त थी अनेक थाय छे, चैतन्य ना परिणाम पर निमित्त थी अनेक थाय छे, ते सर्व ने पहले थी ज आचार्य गौण कौन कहता आव्या छे, अने जीव शुद्ध चैतन्य मात्र कयो छे। चैतन्य ना परिणाम पर निमित्त थी अनेक प्रकार ना थाय छे, अनेक प्रकार के विभाव परिणाम होते ना, पर के निमित्त से अनेक प्रकार के विभाव परिणाम होते है, ए बधा ने गौण करिया अने जीव ने शुद्ध चैतन्य कयो छे। कारण के जीव छे ने, ए जीव मा तो कोई भी प्रकार का विकल्प है ही नहीं, जीव तो जीव छे ने, त्रैकालिक शुद्ध तत्व छे। एमा आत्मा, आत्मा राग ने विकल्प ने तो आत्मा को स्पर्श भी नहीं किया, कोई कोई राग विकल्प ने किसी ने भी आत्मा को क्या नहीं किया है, स्पर्श भी नहीं किया है, किसी ने स्पर्श भी नहीं किया है। माने इतना विज्ञान घन शुद्ध तैकालिक पदार्थ है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा स्वभाव है, स्वभाव की महिमा की कोई कोई पार नहीं, इतलो वजनदार इतलो महिमा वंदा स्वभाव है, अने एना आश्रय थी एक परिणति भी कैसी हो जाती है, तो कहते शुद्ध हो जाती है, विकल्प से रहित हो जाती है। मतलब विकल्प से रहित थवा माटे एक आधार, एक आश्रय कौन, तो किसे कहते हैं शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व। अने उसके गीत समय सार में पहले से ही गाए गए हैं, छठी गाथा लो, चौदहवीं गाथा, एक एक गाथा में अकर्ता स्वभाव को दर्शाया कि मैं पर का तो नहीं परंतु विकल्प का भी आत्मा करता नहीं, अकिंचित कर से आत्मा अकर्ता छे, कोई प्रकार का विकल्प कर सकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय अपरिणामी ध्रुव कूटस्थ, एक विकल्प को अंदर घुसने के लिए जगह नहीं है, इतना वो ठोस पदार्थ है विज्ञान गण, बस उसकी दृष्टि पूरा मार्ग मुख्य गौण का है, मुख्य गौण, जहां स्वभाव मुख्य हुआ, जहां स्वभाव मुख्य हुआ तो सब कुछ क्या हो गया, तो कहते गौण हो गया, करना नहीं पड़ेगा, होए बिना रहेगा, हो ही जाता है। इसलिए समय सार में कीधु ना 11वीं गाथा प्राण छे, सुप्राण से शू कीधु के सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ छे, सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ छे, अने निश्चय नयज भूतार्थ छे, त्या निश्चय नहीं एटले कौन, तो कहते त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक भूतार्थ, अने एनी सामे बद्दो व्यवहार ने शू कही दीधो, तो कहते अभूतार्थ छे, आश्रय करवा लायक नथी। अवे यहाँ कहे छे जो आ ए रीते जीव पदार्थ ने शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र स्थापी ने हवे कहे छे कि आ शुद्ध नई नो पण पक्षपात विकल्प करशे, ते पण ते शुद्ध स्वरूप ना स्वाद ने नहीं पामे। अशुद्ध नई नी तो वात ज सी, शू कीधु यहाँ, शुद्ध नई नो विकल्प पण बाधक छे अनुभूति माटे, तो पछी अशुद्ध नई नी तो शू वात करिए, पण जो कोई शुद्ध नई नो पण पक्षपात करशे तो पक्ष नो राग नहीं मटे, तेथी वीतरागता नहीं थाय, पक्षपात ने छोड़ी चिन्मात्र स्वरूप विषय लीन थेज समय सार ने पमाय छे। आहा, गजब के कलश लिखे अमृतचंद्र आचार्य देव ने, क्या कहा कि एक पण पक्षपात नो विकल्प रहसे, पक्षपात रहसे, राग रहसे, त्या सुधी समय सार ने पमाशे ने, आत्मानुभूति नहीं थाय, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं थाय पर्याय में, और अभी तो ये नहीं काम करेंगे तो ये भव हाथ में से छूट जाएगा। यहाँ पे कहा ना पक्षपात थवानी सुवैया, पक्षपात थी रहित थवानी यहाँ बात करे छे, पांच भाव माती चार भाव मारा स्वरूप मान, सात तत्व ना पण विकल्प मारा स्वरूप मान, छ द्रव्य नो पण मारा मां शू छे, छ द्रव्य नो पण मारा मां शू छे, अभाव छे, सबका मेरे में क्या है, अभाव है सबका, किसी का चार गति से समय सार में 29 बोल कया छे ने, के 29 बोल ए बधा मारा मां नथी, गुणस्थान नहीं, मार्गणास्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, जीव समास नथी, है ना, ये कोई मेरे में नहीं है, ये सब कुछ मेरे से क्या है, तो कहते हैं न्यारा, मैं तो न्यारा का न्यारा हूं। ये मैं कहे कि माटे शुद्ध नहीं ने जानी ने तेनो पण पक्षपात छोड़ी शुद्ध स्वरूप नो अनुभव करी
स्वरूप विषय प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करी वितराग दशा प्राप्त करवी योग्य। कई दशा प्राप्त करवी योग्य छे? तो कहे छे के वितराग दशा प्राप्त करवी ज योग्य छे। बराबर है। अब देखो आगे जाते हैं, उसके बाद 71 नंबर का कलश। अब यहाँ पे क्या दूसरा, अब दूसरे यहाँ पे बताए दो पक्ष कौन से, जीव मूड मोही छे एवो एक नई नो पक्ष छे, अने जीव मूड मोही नथी एवो बीजा नई नो पक्ष छे। शू कीधु? जीव मूड छे मोही छे एवो एक पक्ष छे, अने जीव मूड नथी मोही नथी एवो एक पक्ष छे। एटले कोई केम माने छे, शू माने छे के एक जे व्यवहार नई ना पक्ष वाला छे એમ માને છે કે અમે કેવા છીએ? તો કે છે કે મૂળ છે, શાસ્ત્રમાં કીધું છે ને કે મૂર્ખ છે મોહી છે મૂળ છે, બરાબર ને? તો હમ તો મૂળ હૈ મોહી હૈ રાગી હૈ, બરાબર? યે મૂળ મોહી મોહી પોતાને કેવો માને છે? મોહી માને છે। અને અહીંયા બીજો પક્ષ એમ કે છે કે હમ મોહી થોડી હૈ, હમ તો જ્ઞાતા હૈ। કોણ માને છે એવું? નિશ્ચય નહીં કે પક્ષવાલે, નિશ્ચય નહીં પક્ષવાલે કે છે કે અમે મોહી નથી, અમે તો જ્ઞાતા છે। આચાર્ય દેવે કીધું છે અમે જ્ઞાતા છે, हम मोही नहीं है। अने एक कहे छे कि नहीं, हम तो अनादिकाल से मोही है। तो जो मोही मानता है उसको व्यवहार नहीं का पक्ष है, और जो मोही नहीं मानता है उसको अपने को ज्ञाता मानता है उसको निश्चय नहीं का पक्ष है। परंतु दोनों पक्ष ही है ना, एक मानता है हम ज्ञाता है ज्ञाता है ज्ञाता है, हम कितना भी वो मम्मी मिठाई की कितनी भी चर्चा करे, बच्चे को कितना भी अच्छा अच्छा कहे कि भाई तू बहुत बढ़िया है मिठाई, इतनी अच्छी है, ये है वो है, बोलो वो बच्चे को स्वाद आएगा कि नहीं? बच्चे को स्वाद आया कि नहीं? नहीं आया ना, क्योंकि क्योंकि वो विकल्प चर्चा मात्र से वो वस्तु का स्वाद नहीं आता। ऐसे हम जब तक अपने आप को मूर्ख मानेंगे, हम होशियार है हम ज्ञाता है हम ज्ञायक है, दोनों प्रकार के विकल्प रहेंगे ना, तब तक हम वस्तु की प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति नहीं करेंगे। पहले आएंगे ज्ञाता पने के विकल्प आएंगे, सविकल्प दशा निर्विकल्प दशा के पहले की सविकल्प दशा में इस प्रकार के विकल्प आते हैं, परंतु ये विकल्प भी अनुभूति के लिए क्या है? बाधक। ये यहाँ पे कह रहे हैं, निज घर बिना विश्राम नहीं। जब तक हम अपने घर में नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक हमें शांति विश्राम मिलने वाली नहीं। देखो दोनों प्रकार माने शास्त्रों में तो अपने अपराध को बताने के लिए, अपने अपराध को व्यवहार नहीं के कथन कहे ना ग्यारहवीं गाथा में के भरे पड़े है बहुत है। यहाँ पे अपना अपराध बताने के लिए शास्त्र में ऐसा भी कहा है कि आत्मा मिथ्या दृष्टि छे, है ना? आत्मा होने के बावजूद भी आत्मा ने केवो कह दी दो मिथ्या दृष्टि, है ना? मिथ्या दृष्टि आत्मा ने कह दी दो कि वो आत्मा है ही नहीं, एम पन कथन आवे छे। मिथ्या दृष्टि जीव है उनको कहते हैं कि वो आत्मा नहीं है, वो तो हालता चालता मुर्दा छे, आवे छे ना कथन, बराबर? कारण के उस कथन के पीछे प्रयोजन क्या है आचार्य का? उस कथन के पीछे आचार्य का प्रयोजन है कि उसको अपना अपराध बताना है। क्या बताना है? अपराध बताना है, है ना? और कहीं कहीं ऐसे भी कथन आते हैं, क्या कथन आते हैं कि भाई चाहे निगोद में हो चाहे संसार में हो चाहे गति में हो चाहे सिद्ध में हो, कहीं पे भी हो, है ना, ज्ञायक तो ज्ञायक अच्छे, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंजार। माने एक कथन ऐसा भी आता है निश्चय नहीं का, और व्यवहार नहीं का कथन ये भी कहता है कि आत्मा तो मोही छे मूढ़ छे मूर्ख छे अपराधी छे, है ना, दंड का पात्र है। तो इस प्रकार के दोनों कथन आते हैं, दोनों प्रकार के विकल्प भी होते हैं, परंतु जब तक वो विकल्प रहेंगे तब तक हम तत्ववेदी नहीं हो पाएंगे। स्वभाव में कोई प्रकार के विकल्प नहीं है, नियम सार में है ना, स्वभाव मां विभाव असत्य छे, असत्य सत्य विभाव, है ना? स्वभाव मां विभाव नो अभाव छे, स्वभाव मां विभाव छे ज नहीं, अने बन्ने विभाव छे, बन्ने प्रकार ना परिणाम जे छे ना के हूँ क्यों छु मोही छु ए पण विभाव परिणाम छे, अने हूँ मोही नथी ए पण विभाव परिणाम छे। ख्याल आए कारण के दोनों परिणाम ही है ना, आखिर निर्विकल्प दशा शुद्ध परिणाम तो नहीं है, दोनों जो परिणाम है वो विभाव परिणाम है। कौन से परिणाम है? विभाव परिणाम। इतना यहाँ कीधु ने कि चित स्वरूप जीव चित स्वरूप, चैतन्य स्वरूपी जीव तो चैतन्य स्वरूप,
चित्त स्वरूपी जीव तो चित्त स्वरूप ज छे, बराबर के नहीं? वस्तु स्वरूप तो वस्तु स्वरूप छे, अने ए चित्त स्वरूप जीव जेवो छे तेवो निरंतर अनुभवाय छे। कोने अनुभवाय छे? कोने अनुभवाय छे? तो के छे के जे पक्षपात थी रहित थई गया छे, जेने कोई प्रकार नो सु नथी, पक्षपात नथी, एवा जीवो ने निरंतर निरंतर एम नहीं, एम नथी के भाई अनुभूति वक्ते जेने एवो अनुभवाय छे, परंतु अहीं शुं कीधुं? पक्षपात तेने निरंतर चित्त स्वरूपी, निरंतर एटले के जारे वो सविकल्प में भी है ना, उस समय भी श्रद्धा की धारा, श्रद्धा परिणति तो हूँ शुद्धात्मा छू, ए निरंतर एने बनी रही छे कि नहीं? एटले यहाँ आचार्य निरंतर शब्द वापरो छे। ऐसा नहीं है कि निर्विकल्प अनुभूति के समय ही, परंतु खाता पीता उठता बैसता ना परिणाम तो शू, लड़ाई लड़े छे, युद्ध युद्ध करे छे, चक्रवर्ती युद्ध लड़ाई लड़वा जाय छे, त्यारे पण 6 महीना मर्दा लईने फरे छे, त्यारे पण नरक मां 33 सागर मार काट करे छे, त्यारे पण शू थाय छे? तो के छे के एने निरंतर पोतानो स्वभाव अनुभवाय छे। एने निरंतर पोतानो स्वभाव शू थाय छे? अनुभवाय छे। आहा, ख्याल आवे छे के नहीं? निरंतर माने हर समय। मुनिराज ने तो अंतर मुहूर्त मां स्वरूप मां डुबकी मारे छे, परंतु चौथा गुणस्थानी दशा तो निचली दशा छे, तो पण अहीं कहे छे के ए सम्यक दर्शन थयुं तो एनी प्रतीति कायम बनी रहे छे, ए प्रतीति क्यारे छूटती नथी। एनुं नाम चौथुं गुणस्थान। एनुं नाम शुं छे? चौथुं गुणस्थान। एटले के सम्यक दर्शन तो चारों गति में प्राप्त हो सकता, ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन खाली मनुष्य गति पर, सम्यक दर्शन तो चारों गति में क्या हो सकता है? प्राप्त हो सकता है। एक तिर्यंत गति का जीव भी तत्ववेदी है, सम्यक दृष्टि जीव भी तत्ववेदी है। क्यों तत्ववेदी? क्योंकि वो तो अपने आप को चित्त स्वरूप ही अनुभवता है। सु शब्द वापरा छे यहाँ, चित्त स्वरूप अनुभवे छे, पोताने चैतन्य मात्र अनुभवे छे, कोई पण विकल्प मारा मां छे ज नहीं, विकल्प आते हैं जाते हैं, मैं मेरे में तो उसका अभाव है। जब विकल्प का अभाव है तो कर्म का, उदय का, संयोग का, उनकी सबकी तो क्या बात करे, कोई दम नहीं है। कोई परिणाम में दम नहीं है, क्योंकि वे तो मेरे में सबका क्या है? अभाव। वज्रनो सोगानी जी ये शब्द वापरो छे कि आत्मा तो वज्रनो किलो छे, किसी का प्रवेश हो सकता नहीं है, अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है राग और आत्मा के बीच में, अत्यंत अभाव। अध्यात्म कहेगा कि राग और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव, आगम कहेगा दो द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव, परंतु अध्यात्म तो द्रव्य पर्याय के बीच में अत्यंत अभाव कहते हैं कि है ही नहीं, पर्याय मेरे में है ही नहीं है। आगे जाते हैं, अब देखो उसके बाद वाला कलश 71 अब 72, अब देखो क्या कहते हैं। जीव रागी छे एवो एक नयनो पक्ष छे, अने जीव रागी नथी एवा बीजा नयनो पक्ष छे। चित्त स्वरूप जीव विषे बे नयना बे पक्षपात छे, जे तत्ववेदी पक्षपात रहित छे तेने निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ज छे। शुं कीधुं अहीं? जे तत्ववेदी पक्षपात रही छे तेने निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ज छे। હવે આ બીજા ત્રીજા નંબરની, હવે ત્રીજા નંબરનો અહીંયા કળશમાં આવે, કયા બે પક્ષ પાછું કહે છે? કોઈ કે વ્યવહારના પક્ષ વાલે એ માનતા હૈ કે હમ રાગી હૈ, મેં રાગી હું, ઓર નિશ્ચય નહીં કે પક્ષ વાલે કહેતે હૈ મેં રાગી નહીં હું। રાગ અને અરાગ બરાબર ના, આત્મા કોઈ માનતા હૈ કે રાગી હૈ ઓર કોઈ માનતા હૈ કે રાગી નહીં હૈ, હે ના? હમ કહેતે ના કે રાગ તો હૈ નહીં, રાગ તો મેરે સ્વરૂપ મેં હૈ નહીં, પરંતુ વો વિકલ્પ, वो विकल्प भी वो क्या है? पक्ष है ना। इसलिए यह कहते हैं कि दोनों प्रकार से अपन गाते हैं ना बहुत बार भक्ति सुमत जी भाई साहब की, ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा। क्या बनूंगा मैं? भगवान की संतान हूँ भगवान बनूंगा, ना रागी बनूंगा ना द्वेषी बनूंगा। स्वभाव तो नहीं है, परंतु पर्याय में भी ऐसे स्वभाव का अनुभव हो तो क्या हो जाएगा? भगवान की संतान बन जाएंगे, हम भगवान के लघुनंदन बन जाएंगे। आगे 73 नंबर का कलश है, अब उसमें द्वेष की बात की। जीव द्वेषी छे एवो एक नयनो पक्ष छे,
અને જીવ દ્વેષી નથી એવા બીજા નયનો પક્ષ છે. બરાબર ને? જીવ દ્વેષી છે એવો એક નયનો પક્ષ અને જીવ દ્વેષી નથી એવા બીજા નયનો પક્ષ છે. ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ વિશે બે નયના બે પક્ષપાત છે. જે તત્વેદી પક્ષપાત રહિત છે તેને નિરંતર ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ ચિત્ત સ્વરૂપ જ છે. અબ દૂસરે પક્ષ બતાએ કોણ સા કે કોઈ માનતા હૈ હમ દ્વેષી હૈ ઓર કોઈ માનતા હૈ કે હમ દ્વેષી નહીં હૈ. હમ દ્વેષ કરી નહીં સકતે હૈ ના? એસે જો નિશ્ચય નહીં કા પક્ષ વાલે હૈ ઓર એક વ્યવહાર નહીં કા પક્ષ વાલે હૈ કે ભાઈ વો તો રહા ના સારે પ્રકાર કે પરિણામ રાગ દ્વેષ કશાય શુભ અશુભ માયાચારી હૈ ના લોભ માન ક્રોધ એ સારે પ્રકાર કે પરિણામ તો હો રહે તો હમ તો ઉસ પરિણામ જૈસે હૈ ઓર એક કહેતે કે હમ ઉસ પરિણામ જૈસે નહીં હૈ હમ તો પરિણામ સે ભિન્ન હૈ ભિન્ન હૈ બરાબર હૈ પરંતુ વો વિકલ્પ હૈ ના તો વો વિકલ્પ જો હૈ વો અનુભૂતિ મેં બાધક વો વિકલ્પ આયેંગે પરંતુ વો વિકલ્પ તોડ કે જબ તક અનુભૂતિ નહીં હોગી તબ તક હમ તત્વવેદી નહીં હો પાયેંગે ઓર તત્વવેદી હોને કે લિયે વિકલ્પ કે ઉપર લક્ષ્ય નહીં કરના પરંતુ વસ્તુ કો બારંબાર મુખ્ય કરના કિસકો મુખ્ય કરના વસ્તુ કો જબ વસ્તુ ઉર્ધ્વ હો જાયેગી ના તો અપને આપ સારે પ્રકાર કે વિકલ્પ ટૂટ જાયેંગે દ્રવ્ય પર્યાય કે વિકલ્પ ભી ક્યા હો જાયેંગે તો કહેતે નિર્વિકલ્પ દશા હોતે હી દ્રવ્ય પર્યાય કે વિકલ્પ ભી ટૂટ જાયેંગે ગુણ ગુણી ના ભેદ નો પણ અભાવ થઈ જશે. છઠ્ઠી ડાલ મેં હૈ ના કે અનુભૂતિ કે સમય મેં મુનિ દશા કા પૂરા વર્ણન ઉસમે હૈ ઓર ઉસમે કહા ના કે અનુભૂતિ ના વખતે ગુણ ગુણી કા ભેદ ભી નહીં ગુણ ગુણી કા વિકલ્પ ભી નહીં સાધ્ય સાધક ઓર સાધન કા વિકલ્પ નહીં પ્રમાણ પ્રમેય ઓર પ્રમાતા કા વિકલ્પ નહીં જ્ઞાન જ્ઞેય ઓર જ્ઞાતા કા વિકલ્પ નહીં કર્તા કર્મ ઓર ક્રિયા કા વિકલ્પ નહીં કર્તા કર્મ ઓર ક્રિયા કા વિકલ્પ કોઈ પ્રકાર કે ક્યાં નહીં હૈ તો કહેતે વિકલ્પ નહીં હોતે હૈ ક્યોંકિ અનુભૂતિ મેં તો માત્ર કોરો શું છે તો કે છે આનંદ છે. હે ના? અબ દેખો આગે કરતા ઓર અકર્તા અબ દો ઉસકે બાદ કલશ મેં લિખા કે જીવ કરતા છે એવો એક નયનો પક્ષ છે અને જીવ કરતા નથી એવા બીજા નયનો પક્ષ છે. આમ ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ વિશે બે નયના બે પક્ષપાત છે. જે તત્વવેદી પક્ષપાત રહિત છે તેને નિરંતર ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ ચિત્ત સ્વરૂપ જ છે. આ વાપસ દો પક્ષ હે ના? એક કોઈ માનતા હૈ કે હમ તો કરતા હૈ ના ભાઈ એ વિકલ્પ હો રહે તો હમ વિકલ્પ કે કરતા હૈ હમ પર કે કરતા હૈ તો યહાં પે કહે રહે કે એક પક્ષ તો એસા માનતા હૈ ઓર દૂસરા પક્ષ ક્યા માનતા હૈ કે હમ કરતા નહીં હમ તો જ્ઞાતા હૈ હમ તો જાનને વાલે હૈ ના? પરંતુ યે ભી વિકલ્પ હૈ ના? હમ જ્ઞાતા હૈ હમ જાનને વાલે હૈ એસા વિકલ્પ હી કરતે રહેંગે ચર્ચા હી કરતે રહેંગે બોલતે રહેંગે લિખ લેંગે તો ભી કહેતે હૈ કે તબ તક હમ ક્યા નહીં હો પાયેંગે પક્ષ સે રહિત નહીં હો પાયેંગે વિકલ્પ જ ઉઠ સે અને વિકલ્પ એ તો સંસાર છે. વિકલ્પ શું છે? સંસાર છે. આ વિકલ્પ અનંત વાર કર્યા એસા નહીં કે હમને આત્મા સંબંધી કે વિકલ્પ નહીં કીએ આત્મા સંબંધી કે વિકલ્પ વાલી દશા તક હમ અનંત બાર પહોંચ ગયે હમને બહોત બાર એસે સામાયિક મેં બેઠે હમ ધ્યાન કરને કે પ્રયત્ન કિયે હમને મન વચન કાય કી ક્રિયા કો સ્થિર કિયા હમને બહોત બહોત વર્ષ તક હમ મૌન રહે અને હમને શરીર કો ઇતના સુખા દિયા કે ગુરુદેવ કહેતે ના કે લાલ મરચું અને મીઠું છરી મારે ને લાલ મરચું મીઠું ભભરાવે તો પણ આંખણી કોણ લાલ ન થાય ઇતની બાર તો હમને દ્રવ્યલિંગ મુનિ પણા ધારણ ક્યા પીછી કમંડલ કા સુમેરુ પર્વત જીતના ઢગલા હો જાય પૂરા અષ્ટપાઉદ મેં બહોત સુંદર વર્ણન આયા હૈ. કલ શામ કો મેં પઢ રહી થી કે પૂરા ઉસમે કિતના જબરદસ્ત વર્ણન હૈ કે વહાં પે કહા કે ભાવલિંગ બિના દ્રવ્યલિંગ કોઈ કામનું નથી. શું કીધું અષ્ટપાઉદ માં ગાથા માં કીધું છે ને? ભાવલિંગ બિના દ્રવ્યલિંગ કોઈ કામ કા નહીં હૈ. દ્રવ્યલિંગ તો બાહ્ય દશા છે. 28 મૂળગુણ કા પાલન ચાર હાથ જમીન દેખ કે ચલે ક્રિયા સમિતિ આદાન નિક્ષેપણ સબકા પાલન પ્રતિષ્ઠાપન સબકા પાલન હમને બહોત કડક તરીકે છે જૈસે આગમ મેં કહે આચાર્ય ને કહે વૈસે હમને કિયે
परंतु एक आत्मा की दृष्टि नहीं। मोह तोड़ने की बात है, राग तोड़कर निर्विकल दशा की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमें इस आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एक ही लक्ष्य, फोकस, एक लक्ष्य, एक ध्येय कि मुझे मेरा आत्मा प्राप्त करना है। कितनी भी बार में विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भी प्रकार के उदय हो, कोई भी प्रकार के परिणाम हो, परंतु उस परिणाम से मैं भिन्न हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ, ऐसा एक बार अनुभव कर लो। कितना अपने को आचार्य गुरुदेव, बेंचरी है ना, श्रीमत जी कितना कह गए, ये सब तिरस्कारी, ये आत्मा संबंधी के विकल्प ही आत्मा का तिरस्कार करने वाले परिणाम। क्या करने वाले परिणाम है? आत्मा नो शू करे से तिरस्कार करे। गुरुदेव तो कितना कड़क शब्द घनी बार कहता हो कि आ राग ना विकल्प, आ राग आत्मा नु शू करी नाखे छे, खून करी नाखे छे। शू करे छे? खून करी नाखे छे। वहां पे कहा ना अमृतचंद्र आचार्य जी ने कहा कि आत्मा में राग की उत्पत्ति होना वही हिंसा है, है ना, हिंसा छे। यहाँ कहे ना आत्मा नो अनादर थी जाए छे, आत्मा की विराधना करते है। परंतु एक बार भी हमने जन्म मरण के अभाव का क्या नहीं किया, उपाय नहीं किया। मांस भक्षण नाटक समय सार में कहा कि देह की मग्नता ही मांस भक्षण है। किसकी मग्नता? देह की मग्नता। वहां पे कहा ना सात व्यसन निश्चय से घटित किया नाटक समय सार, अद्भुत ग्रंथ नाटक समय सार। एक एक आचार्यों ने तो, गुरुदेव कहते हैं आचार्यो तो गजब ना काम करिया छे, परंतु जैन धर्म ना पंडितों पण अद्भुत काम करिया। बनारसी दास जी लिखा है वहां का ना, पर स्त्री सेवन, दूसरों की परीक्षा करना, दूसरों की बुद्धि के तपास करना है ना, ये पर स्त्री रमन है, ये निश्चय से पूरा घटित किया है वह सातवें सर। क्या क्या प्रयोजन है हम किसी के बारे में जाने, हमको क्या मतलब है, क्या हम हमसे क्या हमारे जीवन में क्या उद्धार होगा, हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसलिए बड़े पंडित जी कहते हैं कि समय बुद्धि और शक्ति का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे इन परिणाम बिगड़े, इस परिणाम बिगड़े, इस प्रकार के साधन, ये सारे चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उपयोग की बहुत सूक्ष्मता चाहिए आत्मा को प्राप्त करने के लिए। और ये सारे विकल्प जब यहाँ कह दिया कि निश्चय ने के विकल्प भी बाधक है, तो पछी पर संबंधी ना विकल्प ये बधु तो बहु दूरनी वाचे, बधु तो बाधक छे ज। और यहाँ पे अंतिम एक अपन ले लेते 75 नंबर का कलश, इसमें भोक्ता की बात की। जीव भोक्ता छे एवो एक नई नो पक्ष छे, अने जीव भोक्ता नथी एवा बीजा नई नो पक्ष छे, अने चित स्वरूप जीव बे नई ना बे पक्षपात छे, विषय बे नई ना बे पक्षपात छे, जे तत्ववेदी पक्षपात रहित छे तेने निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ज छे। चित स्वरूपी जीव चित स्वरूप ज छे એવું કોને ખ્યાલ આવે છે? એવું તત્વવેદી વાળાને ખ્યાલ આવે છે। તત્વવેદી જે થઈ ગયા એને ખ્યાલ આવ્યો છે કે ભાઈ ચિત્ત સ્વરૂપી જીવ તો ચિત્ત સ્વરૂપ જ છે, આત્મા તો આત્મા જ છે, જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક જ છે। અને ઉસકો કબ ખ્યાલ મેં આયા કે જબ ઉસને એસે સારે વિકલ્પ સે રહી એક આત્મા કા ક્યા કર લિયા, સાક્ષાત્કાર કર લિયા, આત્માનુભૂતિ કર લી હે ના, નિર્વિકલ્પ દશા કી પ્રાપ્તિ હુઈ, तो वो जीव भी पर्याय में क्या हो गया, तत्ववेदी हो गया। ऐसे हम भी ऐसे आत्मा की प्राप्ति करें और विकल्प टूटे और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो और हम अनंत काल सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ पूरा करते हैं। हमने 75 नंबर के कलश तक देखा आज, कौन कौन से दो दो पक्ष कहे, बंधा हुआ हूँ, अबंद हूँ, बराबर मूड हूँ और मैं मूड नहीं हूँ, माने मोही हूँ नहीं मोही हूँ, रागी हूँ रागी नहीं हूँ, द्वेषी हूँ द्वेषी नहीं हूँ, करता हूँ और करता नहीं हूँ, भोगता हूँ और भोगता नहीं हूँ। इतने हमने कलश देखे। हम शाम को इसके आगे के जितने भी कलश है वो सब हम शाम को देखेंगे। हम ऐसी दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजू लांटी निज निधि में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार है। All participants are unmuted.